ये गुफा है, हम लोग गुफा में जा रहे हैं करके, मतलब इसकी फेमस जगह है एक गुप्त गोदावरी, तो वहीं आ चुके हैं। गोदावरी नदी इसका मतलब अंदर ही है, अंदर मतलब थोड़ा पानी का जहाँ भरा था वही अंदर से कहीं आ रहा था, लेकिन वहाँ देख नहीं सकते, ना जान सकते कहाँ से कहाँ आपका आ रहा है। क्या आया है पानी था, मतलब मान लो डेढ़ दो 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 फीट पानी मतलब अंदर था, पेंट नीचे भीग गया मेरा। आ चुकी 6 लाख से ऊपर, तो अभी तुम क्या सोचा कम से 15 लाख जनता आ जाएगी, कम से कम 20 लाख की पब्लिक होती है कल। तो क्या है कल? कल को त्यौहार होने वाला है, सोमवती अमावस्या, कितनी भयंकर भीड़ है। ये लाइन ऊपर गई है, मतलब ये पता देखने के लिए पानी कहाँ जाता है, गोदावरी जो गुप्त गुफा है उसका, ये कहाँ तक है मुझे भी नहीं पता। मध्य प्रदेश की फेमस जगह एक गुप्त गोदावरी, तो वहीं आ चुके हैं, मतलब जो फेमस प्लेसों में से आती है, ये गुनी चुनी आती है, सतियम सैया घाट है और राजघाट रामघाट और एक और जगह, तीन जगह जा चुके हैं, चौथी जगह है, मतलब पानी में चलना पड़ेगा ऐसे हम लोग बता रहे हैं। तो अभी अंदर थोड़ा जाएंगे, देखेंगे पहाड़ के अंदर उतरना पड़ेगा, जब ये पानी आने मिलेगा तो मज़ा आने वाला है। मतलब गोदावरी गुफा है इसमें, मतलब हम लोग जानते हैं पानी आ कहाँ से रहा है, इसका मतलब रहस्य है, तो हम लोग इसका पता करने आए कि पानी आता कहाँ से गुप्त गोदावरी का। गुप्त गोदावरी का जो मतलब रहस्य है वो हम लोग मतलब सच करने जा रहे हैं, क्या है मतलब कहाँ से पानी आता है पता नहीं लगा पाते, कितनी भयंकर भीड़ है। ये लाइन ऊपर गई है, मतलब ये पता देखने के लिए पानी कहाँ जाता है, गुप्त गोदावरी जो गुप्त गुफा है उसका, ये कहाँ तक है मुझे भी नहीं पता, लाइन कितनी लंबी है, और मैं भी इसी लाइन में लगा इतना भीड़ है, इतना क्राउड है, इस क्राउड में ऊपर जाना पड़ेगा मिलेंगे भाई, बहुत भयंकर भीड़ है, लगता है घंटा खींच जाएगा इसी में, भयंकर भीड़ है भाई। गोदावरी की पहचान है गोदावरी गुफा की, माताएं पहले पूजा नहीं होती है लाइन से, ये गुफा है, हम लोग गुफा में जा रहे हैं करके, गुफा के अंदर है, गोदावरी गुफा के अंदर हम लोग, और यहाँ पर फोटो लेना मना लेंगे ठंडी में, करता हूँ कुछ थोड़ी देर कॉल करना किस तरीके से। यहाँ पर हमेशा ऐसी भीड़ लगी रहती है भयंकर वाली, गुप्त गोदावरी के अंदर है, और भाई पता नहीं भी कहाँ से पानी आ रहा जो भी है, देखें इसके अंदर बहुत ठंडा है वैसे देखा जाए तो, बाकी मतलब अंदर बहुत भीड़ है। गोदावरी जो नदी है उसका उद्गम मतलब जो है जहाँ से हुआ वहाँ हम लोग जा रहे हैं, गुफा के अंदर नीचे से करके चलना पड़ रहा है, कि ऊपर वाला दीवार लग जाएगी, लोग आ रहे हैं वहीं से, गोदावरी का जो उद्गम स्थान है यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो गोदावरी नदी उसका उद्गम अंदर ही है, अंदर मतलब थोड़ा पानी का जहाँ भरा था वही अंदर से कहीं आ रहा था, लेकिन वहाँ देख नहीं सकते, ना जान सकते कहाँ से कहाँ आपका आ रहा है, क्योंकि बहुत भीड़ थी, अंदर इतनी भीड़ भाड़ है। ये भोले जी की मतलब श्री राम जी ने भोले जी की यहाँ पर पूजा की थी ऐसा कहा जाता है। जो गुप्त गुफा वहाँ से निकल के आए हैं, और यहाँ से देखते पर्वतों के बीच में ही मतलब ये गुफा है, एक इधर पर्वत है, इधर भी पर्वत है, नियम कानून पहले से है, तो उन्हें आज से ब्रेक चालू कर दिए, जनता आ चुकी है, अच्छा जनता आ चुकी है, अभी जो आप निंग रहे हो कल कल मेला है, अच्छा कल मेला है, तो जनता रुकी कहाँ, जनता तो आ चुकी 6 लाख से ऊपर, तो अभी तुम क्या सोचा कम से 15 लाख जनता आ जाएगी, कम से कम 20 लाख की पब्लिक होती है कल। तो क्या है कल? कल को त्यौहार होने वाला है, कल सोमवती अमावस्या है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो सोमवती अमावस्या का मतलब बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, भयंकर भीड़ होती है, नेल मारती है उनका सोमवती अमावस्या, तो वहां अंदर नहीं आ पाए, ये सोमवार को पड़ती सोमवती अमावस्या, ऐसे अमावस्या तो पड़ती हर महीने, कल ये सोमवती अमावस्या पड़ती है, निकल के आए हैं, पानी था मतलब मान लो डेढ़ दो 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 फीट पानी मतलब अंदर था, पेंट नीचे भीग गया मेरा, हाफ पेंट पेंट के कारण जाना चाहिए था तो बच्चे, और ये मतलब जो भी प्रोसेस है मुझे लगता है लगभग 2 घंटे इसमें लगा होगा, क्योंकि अंदर और काट कर पहले से ही बना हुआ है, और
ऊपर से उतरा, नीचे तो ऐसा लगा कि बहुत गया, लेकिन गुफा नहीं, नीचे भी गुफा थी, एक ऊपर गुफा थी, एक नीचे गुफा थी, जहाँ एकदम कम था वो मैन था, नीचे पता नहीं पानी कहाँ से आया, कोई समझ नहीं पाया। और इतना मतलब पूछे भी नहीं अंदर लोगों से पानी कहाँ से आ रहा है, बस देखा, देखने कुछ पता नहीं चल पाया।